पैसा जो है आप आपकी फिल्म ये इस फिल्म आई है और ये हम फिल्म को बायोपिक कह सकते हैं जिस तरह से आपकी फैमिली के ऊपर है, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर? देखो, हमें तो उसके ऊपर खुशी का एहसास होना है तो सब पता लग गया, लेकिन खुशी इस बात की है जो इस हमारी पिक्चर को जो भाई आमिर खान जैसे हीरो जो ने बड़ी मेहनत करके यहाँ तक इसको जो दुनिया को दिखा रहा है, इसे बढ़कर खुशी क्या होगी जो हमारी दुनिया को जो है सच्चाई दिख रही, पता लग चलेगा दुनिया को, और ताकि माँ बाप का जो ना लड़का लड़की का जो भेदभाव उसको जो दिमाग में निकले, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। बहुत अच्छा लगा जी। मैं तो ये कहना चाहूँगी जो हर माँ अपनी बेटी ने बेटा ही डाल पाल है और कोई भेदभाव नहीं रखा है, तो लड़की भी लड़कों तो कम नहीं है। कल हमने फिल्म देखी है, स्क्रीनिंग रखी गई थी और उसमें आमिर खान जी खुद भी थे और सचिन तेंदुलकर जी थे और राज ठाकरे साहब भी आए हुए थे, तो सभी ने साथ में फिल्म देखी। तो फिल्म देखने के बाद सभी का एक ही रिएक्शन था, हम तो हमारी जीवन के ऊपर फिल्म बनी है, हमें कहानी का हम जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते नहीं जिन्होंने सिर्फ हमें मेडल लेते हुए देखा है उसके पीछे के मेरे पिता ने कितनी मेहनत की है वो जो चीज़ नहीं जानते लोग, तो वो जब देखे जो सिनेमा में जितने भी लोग थे सभी बहुत कई बार ऐसे सीन आए फिल्म में कि लोग भावुक हुए हैं। और फिल्म देखने के बाद सचिन तेंदुलकर सर ने और राज ठाकरे सर ने दोनों ने बहुत ही तारीफ की हम हमारी भी और मेरे पिता की भी, उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा कि ऐसे पिता भगवान हर किसी को दे और हमें आगे के लिए शुभकामनाएं भी दी और ये भी कहा कि हमें प्राउड होता है कि ऐसी बेटियां हमारे देश में हैं। और मैं मेरे लिए तो खुशी की बात है कि हमारे ऊपर फिल्म बनी है, मेरे परिवार के लिए भी खुशी की बात है और जो लोग देखेंगे जितने भी बेटियों के खास करके बेटियों के मैं बोलूँगी कि महिलाएं जो देखेंगी तो वो देख के फिल्म को इंस्पायर होंगी, ये सबसे बड़ी खुशी की बात होगी कि बेटियां किसी भी तरह से बेटों से कम नहीं है, किसी भी फील्ड में कम नहीं है, अगर बेटी पहलवान बन सकती है तो बेटी कुछ भी बन सकती है। जी क्योंकि मैंने फिल्म देखी है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और जो उनमें आमिर जी ने और साक्षी जी ने, सानिया जी ने, फातिमा सभी ने जो भी काम कर रखा है मैं उस काम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने रेसलिंग के लिए एक परफेक्ट उन्होंने प्लेयर को और जो मेरे मम्मी पापा का जो रोल निभाया है वो सबसे बेस्ट निभाया है, और मैं मानती हूँ कि मुझे लगता है कि उनसे बेस्ट ये काम शायद कोई और नहीं निभा सकता, तो मुझे इस काम की सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि उन्होंने इतना बेखूबी ये काम निभाया, ये जो किया है, और सबसे अच्छा जो रेसलिंग के जो टेक्निक हैं वो सबसे बेस्ट लगी मुझे। जी देखिए, जो भाई साहब ने जो मेरे को पहले बताया पता नहीं था ना, तिवारी साहब ने पहले हमारे को स्टोरी दिखाई भी, उसके बाद में जो तिवारी साहब जो भाई साहब के पास ये स्टोरी ले गए हैं बीमारी जो, तो तिवारी साहब भाई साहब मेरे को बोले बोले तिवारी साहब मेरे पास ये स्टोरी लेके आया तो मैंने पढ़ा उसको, तिवारी साहब ने दिखाया मेरे को तो मैंने तिवारी साहब को मना कर दिया, अभी 2-3, 5-7 साल ये काम मैं नहीं करता, तिवारी साहब बाद में देखूंगा। लेकिन जब मैं रात को बिस्तर पर लेटा तो मेरे दिमाग में जो वो स्टोरी घूमने लगी, तो मैंने फिर सुबह जो तिवारी साहब को टेलीफोन करके बुलाया कि तिवारी साहब मेरे को दोबारा ये स्टोरी दिखाओ, तो उन्होंने मेरे को दोबारा स्टोरी दिखाया, तो मेरे दिमाग में यही बैठ गई भी मैंने जो सबसे पहले
यही स्टोरी करनी है। और एक दो मेरे पास पहले आ रही थी, जो मैंने मेरे दो जो डायरेक्टर थे वो मेरे से नाराज़ भी हुए, लेकिन मैं यही ठान दी सबसे पहले यही करूँगा मैं। और ये बात मेरे को बताई तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, हमारी जो जो कहानी इस भाई साहब को समझ में आई है, और जो रोल भी जो एक बढ़िया हीरो जो वो स्टोरी जो उनकी दो सारे के जो पिक्चर्स जो फेमस रही है, तो हमें बड़ी खुशी हुई। देखिए जो कल देखो देखो अगर मैंने तो वो पिक्चर देखी है, मेरे सारे परिवार ने देखी है, लेकिन जो स्टोरी जो जो हम जो पिक्चर देखी तो उसके में सिर्फ 2% ही थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कि 98% जो सेम जो ने मार ऐसे बना रखे स्टोरी जैसे जो नीतीश जी ने बनाई है, जो जो बचपन से ही मेरे साथ लगे हुए हैं आज तक, तो बहुत बढ़िया बना रखी है। तो जो स्टोरी जो मूवी देखेगा उसको पता चलेगा, जो 2-2.5 घंटे की है तो उस टाइम जो चैन से नहीं बैठे उससे दिल में सर ऐसे रहेगा भी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बेचैन रहेगा। हाँ फिल्म हमने सभी ने देखी है, और फिल्म इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाई गई है कि आखिर तक आखिरी टाइम तक देखने वालों को बांधे रखेगी कि अभी महावीर जी का और कितना संघर्ष बाकी है, अभी और कितना बाकी है। और हम तो फिल्म देख रहे थे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि देखते ही रहे कि, और उसमें काफ़ी इमोशनल भी हम कई बार हुए कि ऐसे दिन भी ऐसा टाइम भी था, तो ये सोच के कि वो टाइम बदल गया, तो वही कि कभी फिल्म में खुशी और कभी गम दोनों ऐसा ही समा बंधा रहेगा दर्शकों का। और सबसे बड़ी बात जो फिल्म में है कि लोग महिलाएं इस फिल्म से इंस्पायर होंगे, और जो लड़कियों ने जो इसमें काम किया रहा, देखिए एक एक्टिंग एक्टर एक्टिंग करते हैं, ये बात मुश्किल है क्योंकि एक्टिंग भी इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जिन लड़कियों ने कभी रेसलिंग को देखा ही नहीं है और उन्होंने फिर गीता और बबीता का रोल निभाया है, और उन्होंने गीता और बबीता के से भी अच्छी तरह से उन्होंने टेक्निक्स लगाए हैं फिल्म में, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे ही आमिर खान जी ने जो पिता का रोल किया, उन्होंने जो टेक्निक्स जो उन्होंने लगाए, जो उन्होंने दांव पैंच सिखाए जिस तरह से, तो उन्होंने हर चीज़ परफेक्ट तरीके से की है, हर चीज़ उन्होंने सीखी है कुश्ती के लिए, हर टेक्निक हर पॉइंट उन्होंने उस पर काम किया है, और लड़कियों ने कमाल की रेसलिंग उसमें लड़ी है, जो छोटी गीता थी छोटी बबीता जो बड़ी लड़कियां हैं जो उन्होंने बखूबी उन्होंने रेसलिंग की है। नहीं हमने कोई इनपुट मतलब ऐसा नहीं दिया कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने वो हमसे डायरेक्टर जो नितेश तिवारी जी थे वो हमसे वो सर्च करते रहते थे, वो सवाल पूछते रहते थे, वो हमसे पूछते रहते कि उस टाइम पर क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या किया आपने, कैसे आपके पापा ट्रेनिंग करवाते थे, क्या खाते थे, तो वो पूछते रहते थे, हम बताते रहते थे, वो सिर्फ किसी एक से उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने मेरे पूरे परिवार से, मेरे पापा के जो दोस्त थे गाँव में या मेरे कजन थे जो गाँव जो भी जितने भी गाँव में जो लोग जुड़े हुए थे उन्होंने सबसे उन्होंने मिलके बात की है, मिलके उन्होंने जाना है, तो कुछ भी उन्होंने ये नहीं कि ये दिखाना है और ये नहीं दिखाना, बस जो उनको 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 लगा कि हाँ ये लिखना चाहिए दिखाना चाहिए वो उन्होंने सब दिखाया है। नहीं मैंने देखा मूवी देखी है तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी कि उन्होंने जो भी सब कुछ दिखा रखा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने किया है बचपन में और जैसे पापा ने हमारे साथ किया है, तो वो सब कहानी बिल्कुल वैसी ही है। फिल्म देखी तो राज ठाकरे साहब मेरे को मिले थे, बोले जी आपने काफ़ी उन्होंने मेरे को बोला था भाई साहब बोले आपने बहुत मेहनत की है, बड़े जो संघर्ष करके आपने जो यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाए आप धन्यवाद के पात्र हो, ऐसे भाई सचिन मेरे पास काफ़ी देर बात करी मेरे पास, बोला जी आपने कैसे मेहनत करी कैसे कठिनाई में इतना विरोध होते हो आपने जो संघर्ष किया है
तो ये मूवी देख कर हमें ऐसे महसूस होता, तो हमें देखते बार बार जो हमारे भावुक हो जाते थे, हम जो आप देख हम देख रहे थे, तो हम जो है आपके जो मेहनत की आपके जो आपकी तारीफ करते हैं। और ये जो मूवी हमारे तो आज भी अब देख देखिए हम सचिन गुलाब में दोबारा फिर देखने का मन करता है, ऐसी बॉन्ड थी। जी बिल्कुल, रियल में बचपन में पापा सेहत के लिए हानिकारक थे, क्योंकि हम इतने छोटे थे और पापा की जो ट्रेनिंग थी वो बहुत हार्ड थी। अगर पापा की जगह शायद कोई और कोच होता तो हम छोड़ के घर पे वापस आ जाते, तो इतनी हार्ड ट्रेनिंग थी। लेकिन पापा ही कोच थे और घर में के अंदर ही अखाड़ा था, तो हम छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते थे, तो ये हमारी मजबूरी रही थी बचपन में। लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारे मेडल आते गए तो खुद का इंटरेस्ट भी हो गया। अगर मेरे पेरेंट्स हमारे पीछे नहीं लगे होते तो बिल्कुल हम यहाँ पे नहीं पहुँच पाते, और हमारे पेरेंट्स ने ही हमें सपोर्ट किया है और आगे पहुँचने के लिए हमेशा प्रेरित किया है, हर चीज़ में उन्होंने साथ दिया है, तो आज हम यहाँ पे हैं। आज अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, मूवी बन रही है, जो कुछ भी है वो मेरे पापा की देन है। मेरा फेवरेट गाना यही है कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, यही मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है, क्योंकि ये गाना जो है कि बचपन की वो यादें जो मुझे लगता है कि वो ये गाना सबसे ज़्यादा यादें ताज़ा करता है। और हालांकि पापा हानिकारक थे नहीं, हमें लगते थे जब बच्चे थे तो लगता था ऐसा। और गाने सारे ही फिल्म के अच्छे गाने बनाए, धाकड़ छोरियाँ जो है गाना वो भी बहुत मुझे पसंद है। और यस मूवी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम।